हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो भैया, सफ़र की थकान है। बच्चे देखो सो रहे, नंदनी सो रही है इधर, आउसी सो रही और इनकी मम्मी भी सो रही। और सफ़र की थकान क्यों ना हो भाई, क्योंकि 2 दिन में तो यहाँ आप आके पहुँचे। लगभग 250-300 किलोमीटर पहले दिन चले और उतना ही दूसरे दिन चले, और उससे पहले भी एक दिन तो मौसी जी की लड़की के यहाँ गए थे मकान के मुहूर्त में सुनील भैया, और उससे एक दिन पहले प्रीति, भाभी, बच्चे, सुनील भैया ये सब लोग गए थे बिजनौर, नजीबाबाद गए थे अमित के मामा जी की लड़की की शादी में। तो वहाँ पे इन्होंने क्या, कौन सा किला देखा था? डाकू सुल्तान का किला देखा था। वहाँ भी घूमे थे, बहुत बड़ा मैदान था, बड़ी बड़ी बाउंड्री थी, तो वहाँ भी घूमे हुए बच्चे थके हुए थे बहुत। तो थोड़ा सा वहाँ का भी दिखाओगे कहाँ कहाँ घूमे थे, तो वहाँ के भी थके हुए थे, फिर सफ़र में यहाँ थके बच्चे, तो आराम मिलेगा खैर। और सोए हुए हैं, आराम की व्यवस्था भी पूरी थी। एक सामने वाला जो कमरा है ना हमारे, तो ये बच्चे पढ़ने वाले रहे हैं इसमें, तो ये 2-3 दिन से है नहीं, तो इन बच्चों की तो यहाँ व्यवस्था हो रही सोने की, और बाकी बच्चे उसको सामने वाला कमरा भी सो रहे। कूलर चल रहा, आवाज़ आ रही है अभी तो कूलर की, नए नए तो जगह ही नहीं हमने भी अभी किसी को, क्योंकि भाई जब तक नींद पूरी नहीं होनी थी ना, तब तक घूमने नहीं जाना। सफ़र की थोड़ी सी थकान मिट जाएगी कि बच्चों की सबकी, और तब कहीं घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाएंगे। घूमने फिरेंगे तो ही, हालांकि कई दिन 2-3 दिन तक घूमना है अभी। पहले तो प्रीति और बच्चे कहाँ घूम के आए थे, डाकू सुल्तान के किले में, वो दिखा दे आपको। नंदनी को कैसे करना है, नंदनी ऐसे ऐसे सल्यूट करेगी भाई नंदू, देख ले तिरंगे स्कूल में जाती, फिर भी बहुत नॉलेज है हमारे पास, इसे बहुत पता, शॉर्ट देखा है बहुत। तो है यहाँ आए हैं हम किले में घूमने के लिए, देखे कितना बड़ा किला है, पुराने जमाने का है, बोलते हैं किसी डाकू सुल्तान डाकू का है। कपड़े धोने का इसमें कहीं कहीं है ना, ये देखिए बहुत पुरानी चीज है, पापा जी ये बहुत पुरानी जगह है। मैं पहला अपनी शादी के टाइम ये पहला तालाब, 35 साल पहले आए थे पापा जी यहाँ, 35 साल पहले तो बहुत अलग होगा यहाँ से। हाँ, नु कह रहे पापा जी अब मैं फेरे होते ही सारे महंगा घूमन जाऊंगा अब वो जरूर देखना ना, मेरे दोस्त आ गए सारे, पानी नहीं आए ना, अच्छा ही होई दे दो ये देखिए छत पे जिन्ने हैं वो छोटे छोटे से, चढ़ते हुए भी डर लग रहा। ये गेट है दो, एक इधर है और एक उधर सामने है, और बाकी सब दीवारें हैं, पर दीवारें ये बहुत चौड़ी चौड़ी है, इन कहते हैं इन पे गाड़ियाँ भी चल सकती थी। और बाकी बीच में सारा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, घुमा बिन जाने का हमारे पास इतनी दूर तक। देखिए खाली मैदान है पर बच्चे घूम रहे, देखिए कैसे चक्कर काट रहे। और जो हमारे बड़े हैं ना भाई साहब, दोनों दीदी, वे सब वहीं गाड़ी के पास बैठ गए हैं, बोल रहे कि चला नहीं जाने का, बच्चे घूम जाएंगे बस। अरे उन्होंने पहले देख भी रखा है, तो हमने सोचा कि हम पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो हम देख के आएंगे क्या है। तो चलिए, बहुत पुरानी जगह है, यूनिक सा लगता है देखने में भी, अच्छा लग रहा। ये दीवारें टूट चुकी है, लेकिन भाई साहब बोल रहे थे कि जब हम 35 साल पहले आए थे तो इन पर हम चले थे, मतलब पूरे ग्राउंड का हमने चक्कर काट दिया था, पूरी दीवार का, लेकिन अब ये बारिश में टूट चुकी है, अब नहीं चला जाए इन पे। और बच्चे फोटो शूट हो रहा, बच्चों का यहाँ पे, बच्चों का यहाँ पे फोटो शूट हो रहा। चलो ये तो था, तो फ्रेंड्स ये तो था इनका रास्ते वाला टूर। चलो ये तो हो गया, और फिलहाल बात यहीं की करते हैं जहाँ पर बच्चे अभी आए हुए हैं। फ्रेंड्स, नई सुबह में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अरविंद पाल व्लॉग्स में। और शुरुआत कहाँ से हो रही, किचन से ही हो रही है भाई। तो बच्चे जाके और इन्हें तैयार करना शुरू कर दिया, चिंकी नाली, गुड्डू नाली, हेलो कर दी चिंकी, चिंकी नाली, गुड्डू नाली और आरू सारू सी नंदनी सब बच्चों को तो नहला दिया, और अब बड़े भी तैयार होंगे, अब खाने का टाइम है छोटों का। और चिंकी की चाची ने नाश्ता तैयार कर दिया, तो बच्चों ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। चिंकी ने ले लिया नाश्ते में, क्या बनाया आज, पराठा, आलू की सब्जी, 2 पराठे और चाय। चाय ये तो हो गया चिंकी का, और पराठे इधर बनना शुरू हो गए। तो भैया चाय
पराठा और आलू की सब्जी, ये है नाश्ते में। नाश्ता करेंगे और थोड़े बहुत पराठे कुछ पैक भी कर लेंगे, या नहीं गुड्डू? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रास्ते में भी तो चाहेंगे। आज एक नई जगह घूमने जाने का प्रोग्राम है, और किस जगह जाएंगे वो तो चलते हुए बताओगे। फिलहाल कर लेते हैं नाश्ता। देखो नंदनी के बाल भाभी आरुषि, और ये तैयार दोनों। मैं तीन नहीं तैयार, अभी मैं तो रबड़ गूंद के तब तैयार होंगी। रबड़ तो आने की भी नींद में, रबड़ लगाओगी आरुषि, रगड़ते नहीं लगने की भी नहीं। और गुड्डू चिंकी ने नाश्ता शुरू कर दिया, आरुष तो बैठा भी नाश्ता नहीं करता भाई। क्या तू नहीं करता क्या नाश्ता? चल दीदी के पास बैठ के कर ले, तुम भी आ जाओ नीचे उतर के। आरुषि नंदनी कुछ खा लो, चलो पहले रबड़ बोल लो, आराम से बैठ के खाओ बच्चों। सारे बहुत अच्छे। फ्रेंड्स घूमने कहाँ गए थे ये सब तो अभी थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि पाल फैमिली ब्लॉग्स पे वो सब आवेंगी, जहाँ जहाँ घूमने गए थे वो सब वीडियोस आएंगी। और फिलहाल हम लोग तो यहीं अपने रूम पे ही हैं। क्या क्या यहाँ चल रहा है ये देखकर तो आगे हम लोग, बच्चे रेस्ट कर रहे, भैया वीडियो एडिट कर रहे। शाम का समय अभी 5 बजे, तो खाने का तो टाइम है नहीं, शाम को होगा। और प्रीति ने थोड़ा सा काम शुरू कर दिया कपड़े धोने का, तो 2-3 दिन हो गए थे ना घर से चले हुए, कपड़े भी कितने सारे हो गए, क्योंकि पहले दिन तो बरेली रुके थे, दूसरे दिन वहाँ से चले यहाँ पहुँचे, और तीसरे दिन आज हम लोग घूमने गए थे नेपाल, और समय रहते वापस आ गए, तो कपड़े धोने शुरू कर दिए प्रीति ने। मैंने कहा था आराम कर लो बाद में धोएंगे, लेकिन अब आगे भी निकलना कल फिर, तो कपड़े धो के इतने सारे सुखा देंगे और कल फिर अगली जगह घूमने जाएंगे। थोड़े से कपड़े तो धोगे तो इन्हें फैलाया पहले छत पे। चलो मैं बता दूं प्रीति को कहाँ फैलाना, कहाँ हमारी रस्सी है, और आरुष भी चल रहा साथ में, ये भी बताओगे भाई कहाँ फैलाने कपड़े, ये बताओगे धीरे धीरे। छत पे आ जाओ सबसे ऊपर, और छत पर तो दिखाई दे जाएगी कहाँ है रस्सी हमारी। धूप अलग ही चली गई, शाम हो रही है अब तो, लेकिन कपड़े सूख जाएंगे इतने में। अभी घूम एक दो दिन तब दिलवाऊंगा। चलो बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है। स्मार्ट वॉच दिखा दी, मधुमक्खी का घर, कितनी सारी मधुमक्खियां उड़ रही देखो भाई वहाँ पे। उनको शायद चाहिए होगा, उनको अपना घर चाहिए हैं, है ना, बहुत सारी मधुमक्खियां। लेकिन उधर नहीं जाना भाई आरुष, हाँ उधर नहीं जाना, पीछे हटो, कभी यहीं इधर ही आ जा सारी मधुमक्खियां। छत्ता तोड़ दिया होगा हैं, छत्ता तोड़ दिया, हाँ किसी ने इनका छत्ता, इनका घर तोड़ दिया इसलिए ये उड़ रही, बहुत सारी मधुमक्खियाँ। कहाँ है भाई ये है, कपड़े और भी रह रहे हैं इनता अलग कपड़े, आधे तो धो गए, आधे फैला दे, तब तक धूप है आधी, कुछ काम आ जाएगी धूप, यानी कि कपड़े कुछ सूख जाओगे, और बाकी आधे इन्हें फैलाने के बाद में धोगे। घर पर तो वॉशिंग मशीन भी है, यहाँ तो सारे हाथ ही धोने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, इतने गंदे नहीं हो रहे घर पे, तो छोटे घर के कपड़े, घर के काम काज वाले ज़्यादा गंदे रहे, और ये तो नए नए कपड़े सबके घूमने वाले, तो ये थोड़े ही गंदे थे, इन्हें तो सर्फ के पानी में भिगा के ऐसे ही मसल दिए तो साफ हो गए। हाँ जितने सूखेंगे ठीक है, नहीं तो अगली बार के जो धोएंगे, नीचे बालकनी में एक रस्सी है वहाँ फैला दियो, वहाँ सूख जाएंगे। बाकी इतने यहाँ डाल दो, इतनी धूप है, जाती जाती सी धूप लग जाएगी इनके। सारी मधुमक्खियाँ इधर ही आ जाएंगी, अगर एक मधुमक्खी के भी हम मार दिया तुमने। छत पे देखो दो पतंग आ रही, पतंग लड़ रही, और पतंग के पीछे पीछे कई सारी मधुमक्खियाँ भी हैं भाई, जिधर पतंग जावे उधर ही मधुमक्खियाँ जावे, दिखाई नहीं दे रही कैमरे में, पीली पतंग के पीछे हैं, नीली पतंग तो दूर जाली हो रही, नीली वाली और दूर जाली इससे भी, और अब फिर दोनों एक दिशा में जाई पतंग लड़ेंगी ये दोनों शायद, पीली कट गई सर नहीं। लो भाई इतने सारे कपड़े तो फैल गए, वहाँ से ले गए इतनी रस्सी भर गई है, और हल्के रंग के कपड़े हाथ से आसानी से धोने वाले तो धो दिए, बाकी कुछ और रह रहे वे जाके धोएंगे भैया। प्रीति तो उधर बाकी बचे हुए कपड़े धो ही रही, भाभी जी इधर झाड़ू कर रही हैं किचन में कमरे में, और गुड्डू बना रही है चाय, बनी हुई चाय उबाल आ रहा बढ़िया चाय में, तो गुड्डू की चाय एकदम फर्स्ट क्लास वाली हो, नंबर 1 मुगाता दूध पर मलाई मलाई उतार लेना तेरी ठीक, नहीं तो छन जावे सारी उसमें चली जाएगी चाय की पत्ती में।
ये थर्माकोल वाले कप ला रखे हैं, इसमें दूध वाले भगोने में छान ले बब्बू हैं। चलो सर रख, मैं छनवाऊँगा। ये ले संडासी पकड़ने वाली, क्योंकि जो मलाई है ना दूध की वह भी काम आ जाएगी। चाय छानने के बाद ऊपर से अलग से मलाई डाल लेंगे उसमें, तो वो पत्ती के साथ छनके अलग नहीं जाने। हटा रूस बस, अभी तो इतनी कर रहा, इतनी छान लो बस, बाकी उबलती रहेगी हल्की हल्की आँच पे अभी। और इसे ढक दो, वो प्लेट रख दे इसका। तो गुड्डू ने चाय भी छान दी और कपों में कर भी दी, और बस नमकीन तो रखी है अधिक भुजिया वाली नमकीन वही रखी, और चाय लेके चल रहे अंदर बस। ये होगी चाय, गुड्डू ने चाय बना ली, और उधर दो लोग उधर पी रहे चाय। भाभी जी पी रही चिंकी, ले लो वो चाय। चिंकी और गुड्डू भी है, नंदिनी तो सो रही उधर, और आरुषि भी सो रही। आरुष बेटा चल चाय पी।